वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आईपीएल 2022 में जीतने हारने पर किसे क्या मिला? चैंपियन गुजरात को मिले 20 करोड़ रुपए, राजस्थान रॉयल्स को मिली 12.5 करोड़ की रकम, पर्पल कैप ऑरेंज कैप और उमरान मलिक को क्या मिला? गुजरात टाइटंस आईपीएल के 15वें सीजन की चैंपियन बन गई है। अपने पहले ही सीजन में गुजरात ने इतिहास रच दिया। गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए दिए गए। रनर अप राजस्थान को भी 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं। तीसरे नंबर पर रही बेंगलुरु को 7 करोड़ और चौथे नंबर पर रही लखनऊ को 6.5 करोड़ रुपए मिले। टॉप 4 टीमों के अलावा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर भी जमकर पैसों की बरसात की गई। यजुवेंद्र चहल को पर्पल कैप के साथ 10 लाख रुपए मिले। चहल ने सीजन में सबसे ज्यादा 27 विकेट लिए हैं। जोस बटलर को ऑरेंज कैप के साथ 10 लाख रुपए मिले। बटलर ने 17 मैचों में 863 रन बनाए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर उमरान मलिक को 10 लाख रुपए मिले। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक को टाटा की तरफ से कार मिली। सबसे ज्यादा 83 चौके लगाने के लिए बटलर को 10 लाख रुपए मिले। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन के लिए भी बटलर को 10 लाख रुपए दिए गए। सबसे ज्यादा 45 छक्कों के लिए भी बटलर को 10 लाख रुपए मिले। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी बटलर को मिला। इसके लिए भी उन्हें 10 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई है। फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन के लिए लोकी फर्ग्यूसन को 10 लाख रुपए मिले। गेम चेंजर ऑफ द सीजन के लिए भी जोस बटलर को ही 10 लाख रुपए दिए गए। कैच ऑफ द सीजन के लिए इवन लुइस को 10 लाख रुपए का इनाम मिला। फाइनल के मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या को 5 लाख रुपए दिए गए। गुजरात टाइटंस ने अपने डेब्यू मैच में ही हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से मात दी। शुभमन गिल ने छक्का जड़कर अपनी टीम को आईपीएल चैंपियन बना दिया। गुजरात टाइटंस की टीम शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे टूर्नामेंट में अपना जलवा बिखेरती रही। लीग फेज खत्म होने पर गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में टॉप पर रही। फिर क्वालिफायर 1 में जीत हासिल कर उसने फाइनल में सबसे पहले जगह बनाई और अब फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को मात देकर टीम चैंपियन भी बन गई। कप्तान हार्दिक पांड्या टीम के लिए सबसे बड़े हीरो साबित हुए। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन बल्लेबाजी की, फाइनल में ऑलराउंडर प्रदर्शन किया और खिताब अपने नाम कर लिया। ऐसी ही बाकी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता.com।